लोकसभा चुनाव में बांदा संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्यामा चरण गुप्त चुनाव प्रचार के लिए चित्रकूट पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस बीच एसपी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और मायावती के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। श्यामा चरण अखिलेश यादव। वहीं कार्यकर्ताओं के जोरदार स्वागत से गदगद श्यामा चरण गुप्त ने एसपी और बीएसपी गठबंधन की जमकर तारीफ की। इस बार गठबंधन की इतनी जबरदस्त टीम बन गई है सपा बसपा और आरएलडी की, इस टीम को अब सभी लोग इससे भयभीत होने लगे। इससे पहले श्यामा चरण गुप्त प्रयागराज से बीजेपी के सांसद थे, लेकिन कुछ रोज पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद एसपी ने उन्हें बांदा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सोमवार को नक्सलियों ने कोंडा सावली कमल पोस्ट के बीच सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए वहां ब्लास्ट किया, जिसमें 6 जवान घायल हो गए। सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी बीच जगरगुंडा में नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों को निशाना बनाते हुए धमाका कर दिया, जिससे सुरक्षा बलों के बीच अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें कई जवान घायल हो गए। बाद में घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया, जहां इलाज के समय एक जवान शहीद हो गया। 6 जवान घायल हुए थे इलाज के दौरान, एक मृत हो गई, बाकी 5 जवानों को रायपुर लिया गया। वहीं इस हमले के बाद पूरे इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया और प्रशासन लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षित माहौल देने का दावा कर रहा है। ऐसा कोई सुरक्षा व्यवस्था हम लोग करेंगे ताकि एक अच्छी वातावरण में मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एक माहौल निर्मित करके हम देगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 11 अप्रैल को बस्तर संसदीय सीट पर वोट डाले जाएंगे।